नोट 5। आज इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि आपको लेना चाहिए Redmi Note 5 Pro, वो भी OLX से। तो बहुत से लोगों को अभी भी जो है वो Redmi Note 5 Pro नहीं मिला है फ्लैश सेल और प्री ऑर्डर सेल में। तो बहुत से लोगों को ये इंटेंशन है कि उन्हें जो है वो सोच रहे हैं कि मैं ले लेता हूँ Redmi Note 5 Pro से। तो इस वीडियो को देखो पूरा, मैं आपको बताऊंगा कि क्यों नहीं आपको OLX से लेना चाहिए Redmi Note 5 Pro। तो सबसे बड़ा पहला रीज़न ये है कि आपको जो है Redmi Note 5 Pro जो है वो बहुत ज़्यादा महंगा मिल रहा है OLX पे। तो यहाँ पे ब्लैक मार्केटिंग बहुत ज़्यादा चल रही है OLX पे। तो अगर आपको 4GB रैम वेरियंट की हम बात करें तो 4GB रैम वेरिएंट आपको देखने को मिल रहा है मैक्स 1500 रुपए जो है 1000 रुपए महंगा। तो हमें पता है कि Redmi Note 5 Pro की जो ओरिजिनल सेल है, मतलब ओरिजिनल जो प्राइस है वो है 14000 रुपए। तो ऐसे में जो आपको OLX में देखने को मिल रहा है 16500 में यहां पे एक सेलर जो है वो सेल कर रहा है, मतलब डायरेक्टली 2500 रुपए एक्स्ट्रा देकर के आपको Redmi Note 5 Pro 4GB लेना पड़ रहा है। तो ऐसे ही हालत है यहां पे बहुत सारे ऐसे फोन्स की। तो आप यहां पे देख सकते हैं 16999 रुपए में आपको 4GB रैम वेरिएंट देखने को मिल रहा है। तो ये हाल है OLX पे, क्योंकि बहुत से लोगों को अभी भी जो है वो Redmi Note 5 Pro नहीं मिल पा रहा है। तो पहला रीजन यह है कि आपको Redmi Note 5 Pro नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यहां पे आपको प्राइस बहुत ज्यादा महंगा मिल रहा है, 1500 रुपए, 2000 रुपए, 3000 रुपए, इस तरीके से आपको जो प्राइस है वो OLX पे मिल रहा है। तो सेकंड रीजन आपको मैं ये बता दूं कि OLX पे आपको क्यों नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप कोई भी कंपनी से लेते हैं, मतलब कोई भी वेबसाइट से लेते हैं लाइक फ्लिपकार्ट, लाइक MI.com, तो वहाँ पे जो है आपको आफ्टर सेल सर्विसेज जो है वो देखने को मिलती है। बट अगर आप फ्लिपकार्ट, मतलब अगर आप OLX से लेते हैं किसी ऐसे सेलर से लेते हैं तो वहाँ पे आपको आफ्टर सेल सर्विस नहीं मिलती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने एक सेलर देखा हुआ है सील्ड Redmi Note 5 Pro 6GB गोल्ड कलर। तो यहाँ पे आप देखेंगे लिखा हुआ है नो एक्सचेंज, मतलब ये जो सेलर है अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है आपके फ़ोन में Redmi Note 5 Pro में, बेसिकली आ भी सकती है, हम कोई वो नहीं कह सकते कि हाँ नहीं भी आए, आ भी सकती है Redmi Note 5 Pro में जो फ़ोन जो एरर मतलब प्रॉब्लम है वो आ भी सकती है कोई किसी भी तरीके की। तो यहाँ पे सेलर ने लिखा हुआ है नो एक्सचेंज, तो इसी ने नहीं लिखा हुआ, बहुत से ऐसे सेलर्स ने लिखा हुआ है नो एक्सचेंज, तो बहुत से लोग नहीं देखते इस चीज़ को और जो है Redmi Note 5 Pro OLX से जा करके ले लेते हैं। तो बाद में बेसिकली होता है कि अगर आप उस पर्सन को कॉल करते हैं तो वो पर्सन जल्दी से कॉल पिकअप नहीं कर पाता है, नहीं करता है जानबूझिए, क्योंकि उसको तो पैसे जो है वो मिल चुके होते हैं। तो इस केस में आपका फ़ोन जो है वो रिप्लेस भी नहीं हो सकता है। अगर हम बात करें फ्लिपकार्ट या MI की, तो वहाँ पे अगर आपका फ़ोन ख़राब हो जाता है तो आपका फ़ोन, मतलब आफ्टर सेल सर्विस वहाँ पे इतनी अच्छी है कि आपका जो फ़ोन है वो डायरेक्टली फ्लिपकार्ट वाले या MI वाले रिप्लेस कर देते हैं। तो ये है फीचर ऑनलाइन वेबसाइट्स की। तो OLX अगर आप लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा पड़ जाएगा महंगा, और सबसे बेकार आपको आफ्टर सेल सर्विस नहीं मिलेगी, और सबसे बड़ी बात आपको जा करके वहाँ पे फ़ोन जो है वो लेना पड़ेगा। मतलब आप 1500-2000 रुपए महंगा भी दे रहे हो और आपको जो है वहाँ जा करके फ़ोन जो है वो ब्लैक मार्केटिंग में लेना भी पड़ रहा है। तो ये कुछ रीजन्स हैं, बहुत सारे फ़ोन जो आप यहाँ देख रहे हैं Redmi Note 5 4GB वेरियंट जो है आपको देखने को मिल रहा है 16500 का। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रांड न्यू सील पैक विद बिल। तो बहुत से ऐसे सेलर होते हैं जो झूठ बोल रहे होते हैं, मतलब इधर उधर करके जो है वो फ़ोन इन्होंने मंगाया हुआ होता है और आपको जो है फेक बिल जो है वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप मत लो OLX से। अगर आपको अभी भी बुक नहीं हो पा रहा Redmi Note 5 Pro अगर Flipkart या MI से, तो आप कंटिन्यूसली ट्राई करते रहो, क्योंकि MI की जो मार्केट है मैं आपको बता रहा हूँ 110%, वो कुछ दिनों के लिए ही है, एक दो महीनों के लिए है। तो उसके बाद जो है आपको Redmi Note 5 Pro फ्री मिलेगा ओपन सेल में मिलेगा आपको Redmi Note 5 Pro। आपको कोई भी जो है वो एक्स्ट्रा पैसे देने की जरूरत नहीं है Redmi Note 5 Pro की, या किसी भी शॉप से आपको एक्स्ट्रा पैसे देकर के Redmi Note 5 Pro लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि Asus Zenfone 5 आने वाला है और Mi A2 आने वाला है। तो इन दोनों ये है जो है Redmi Note 5 Pro किलर में भी हो सकते हैं, तो इनकी वजह से जो है Redmi Note 5 Pro की अभी जो है मार्केट जो है वो डाउन होने वाली है। तो कुछ एक या दो महीना वेट करो तो आपको इजीली जो है ओपन सेल में Redmi Note 5 Pro देखने को मिलेगा। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप मत परचेज करो Redmi Note 5 Pro, वो भी OLX से। तो OLX से परचेज करना बेकार है, आप वेट करो और कुछ दिनों में ही जो है Redmi Note 5 Pro की जो मार्केट जो है वो कोलैप्स हो जाएगी। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप मत करो परचेज OLX से। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाकर के सब्सक्राइब कर लो, तो आपको ऐसी कंटेंट जो है देखने को मिलती रहेगी। तो मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट और एक बेस्ट एक्साइटिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय और हैव अ नाइस डे।